मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, मंत्री माया सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। माया जी, किस तरह से इस अभिभाषण को देखती हैं, सरकार की उपलब्धियों का यहाँ पे बखान किया गया है? सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का स्वागत करती हूँ, और उन्होंने अपने इस अभिभाषण में मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए जिस तरीके से अपनी पूरी क्षमताओं के साथ कदम बढ़ा रही है, और नगरों के सुनियोजित विकास और आम लोगों की दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं उनको उपलब्ध कराने में भी सरकार की प्रतिबद्धता है। साथ ही साथ ये वर्ष जो है वो दीनदयाल जी का जन्म शती वर्ष है, और इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, और इसके तहत प्रत्येक गरीब के रोटी है, मकान है, दवाई है, और दवाई के साथ साथ पढ़ाई है, रोजगार है, प्रत्येक गरीब को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, ये संकल्प लिया है। बहुत अच्छा कदम है। साथ ही साथ नगरों के जो अति गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए जो दीनदयाल थाली योजना का जिक्र है उसका भी मैं अपने दिल की गहराई से स्वागत करती हूं। बहुत अच्छे कदम उठाए। चुनौती अब आपको लगनी लगी, अभिभाषण में आपके कई योजनाओं का जिक्र हुआ है, नई चुनौती अब आपके सामने है, नई जिम्मेदारी आपके सामने है? नहीं, देखिए, हर काम, हर जो विकास कार्य है, प्रदेश के विकास कार्य है, वो हमारे सामने एक कठिन परीक्षा है। हमने उसका पूरा एक खाका तैयार किया है, और बहुत सारे कदम विकास के उठाए गए हैं, और जो कदम आगे प्लानिंग की है उठाने जा रहे हैं वो समय सीमा में हम पूरे करें, गुणवत्ता के साथ पूरे करें, ताकि हमारे कामों को आम लोग भी सराहें। तो हमारी शुक्रिया माया सिंह जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी जिम्मेदारी महसूस कर रही हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में, राज्यपाल के अभिभाषण में कई तरह की योजनाओं का जिक्र यहाँ पर हुआ है, खासतौर पर नगरीय प्रशासन विभाग की भी काफ़ी तारीफ यहाँ पर हुई है। निश्चित तौर पर सरकार इस बखान से काफ़ी प्रशंसित और काफ़ी खुशी नजर आ रही है। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।